केजी ए में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सरा वर्ल्ड स्कूल आरंजी है। आज मैं आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में बताने वाली हूँ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो केसरिया सफेद और हरे रंग से मिलके बनता है। मुस्ताकर आयताकार होता है, जिसमें केसरिया सफेद और हरे रंग की तीन समांतर पट्टियां होती है। सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग बहादुरी का, सफेद रंग सच्चाई का, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग का चक्र होता है, जिसे कहते हैं अशोक चक्र। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती है। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जो हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है। जय हिंद। धन्यवाद सभी को। शुभकामनाएं। मेरा नाम श्लोक संजय जाधव है। मैं यूकेजी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सरा वर्ल्ड पीस स्कूल आरंभी है। आज का नया विषय प्रकृति है। प्रकृति सबसे अच्छा शिक्षक है। सूर्य को देखो, यह हमें गर्मी, प्रकाश और ऊर्जा देता है। यह हमें गंतपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। आकाश को देखो, यह हमें सिखाता है कि कोई सीमा नहीं है, हम जितना चाहे उतना ऊपर जा सकते हैं। अब पहाड़ों को देखो, यह हमें सिखाता है कि हम सब स्थितियों में दूरता से खड़े हैं। अगर आप पहाड़ पर खड़े और चिल्लाते हैं तो एक प्रतिध्वनि धोनी सुन सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि चारों ओर जाता है, चारों ओर आता है। अमित तो पेड़ को देखो, अगर तुम उस पर पत्थर फेंकोगे वो तुम्हें फल देगा। वे हमें देना और चमकना सिखाते हैं। अब नदी को देखो, नीडल और बहेली, यह हमें सिखाती है कि जब कोई इच्छा होती है तो एक रास्ता भी होता है। लेकिन दोस्तों, आज का जीवन हम प्रकृति से दूर जाते हैं। हमें महसूस करना चाहिए कि प्रकृति मनुष्य पर निर्भर नहीं करती है, हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इसीलिए प्रकृति को बचाइए, प्रकृति की रक्षा करिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, पढ़े लिखों को झुके। धन्यवाद। सुमध्यान दोस्तों, मेरा नाम विवान गणेश बगाड़े है। मैं कक्षा यूकेजी ए में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर विश्वनाथ कराड वर्ल्ड पीस स्कूल आलंदी है। मैं मेरे बतख के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरा बतख है, मैंने इसका नाम डक्की रखा है। इसका रंग पीला है, इसके चोंच और पेट का रंग नारंगी है। इसके पेट से एक छोटा सा बच्चा निकला है। इसके सर पर अंडे का हेलमेट बना हुआ है। ये बच्चा बहुत प्यारा